फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। दिल्ली के बीएल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने मेरठ में अपना पहला लीवर डिसीज एंड ट्रांसप्लांट ओपीडी खोला। आज बीएल के हॉस्पिटल ने शहर के लोगों को अपनी विशेष परामर्श देने के लिए न्यूटेमा हॉस्पिटल के साथ भागीदारी की, जिसके विषय में आज उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें उन्होंने पहले दिन ही टीम ने फैटी और नॉन फैटी बीमारियों, डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तथा शराब व्यसनी करीब मरीजों को परामर्श दिया। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूटेमा हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर संदीप गर्ग एवं बीएल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से अभिदीप व उनकी टीम मौजूद रही। साथ ही दोनों हॉस्पिटल ने मिलकर कई तरह की जानकारियों से मेरठवासियों को अवगत कराया। उन्होंने अपने विचार रखते हुए बताया कि अपने एक अग्रणी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के साथ जुड़ने पर बहुत खुशी है और डॉक्टर अभिदीप व उनकी टीम तथा बीएल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आभार व्यक्त करते हुए हॉस्पिटल की सुविधा से अवगत कराया। वहीं उन्होंने बताया कि इस विभाग का मकसद किफायती खर्च पर शाक्य आधारित दिशा निर्देशों का इस्तेमाल करते हुए अत्याधुनिक तरीके से लिवर ट्रांसप्लांट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, लिवर डिजीज़ जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे देश में काफ़ी बढ़ रही है और नॉर्थ इंडिया में तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें लिवर क्लिनिक्स सेटअप करने चाहिए हर टीयर टू सिटी में, ताकि पेशेंट्स को टाइमली एडवाइस मिल सके, टाइमली हम ट्रीट कर सकें। जिनकी अर्ली स्टेज ऑफ लिवर डिजीज़ है उनको ट्रीटमेंट करके रिकवर किया जा सके, और जिनकी एडवांस डिजीज़ है, जिसको जिस तरीके की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी है या मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसके लिए उनको अवेलेबल कराया जा सके। इसको लेके बीएल के हॉस्पिटल और न्यूटेमा हॉस्पिटल ने मिलके लिवर क्लिनिक सेटअप किया है, जिसमें रेगुलर लिवर ओपीडीज होंगी, ताकि पेशेंट्स को यहीं पर उन्हीं के शहर में ये फैसिलिटी मिल सके और उनको जो नीडेड इन्फॉर्मेशन और एडवाइस है वो टाइम पे। लेकिन डिपेंड करता है कि लिवर डिजीज़ किस स्टेज पे है। अगर अर्ली स्टेज ऑफ लिवर डिजीज़ पिक कर लेते हैं तो बहुत ही मिनिमल एक्सपेंसेस में ट्रीटमेंट हो जाता है, कुछ हज़ारों में ही ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन अगर लिवर डिजीज़ एडवांस है, अगर आपको बायोप्सी या सर्जरी या ट्रांसप्लांट करना है, जैसे किसी का लिवर ट्यूमर हो गया, उसे लिवर रिसेक्शन सर्जरीज की ज़रूरत है, तो ये खर्चा 3-4-5 लाख के करीब होता है। अगर लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो ये 16-18 लाख के करीब का खर्चा आ जाता है। देखिए, लिवर की बीमारी ना हर एज में है, ऐसा भी है जिसमें न्यूबॉर्न बच्चे ही बीमार लिवर, ख़राब लिवर के साथ पैदा हुए हैं या बाइल डक्ट नहीं बना हुआ उनका। ऐसे में हम उन्हें पैदा होते ही हमें उनकी सर्जरी करके पित्त का रास्ता बनाना पड़ता है। अगर वो पित्त का रास्ता नहीं बनाए और वो 6 हफ्ते या से ज़्यादा लेट हो जाए तो वो उनका लिवर फेलियर की तरफ चला जाता है, तो उन्हें हमें उसी उम्र में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। हमने कई बार बच्चों का ट्रांसप्लांट लगभग 2 से 3 महीने की उम्र में भी किया है। दूसरा, कई लिवर की बीमारियां होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, जिससे क्रॉनिक स्टेज पे लिवर ख़राब होता है। या तो वो लिवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है या उसमें लिवर कैंसर डेवलप होने लगता है। अब कैंसर किस स्टेज पे है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि सर्जरी करके हम कैंसर पार्ट रिमूव करें, या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ भी सेट इन हो गई है तो हमें पूरा लिवर निकाल के लिवर ट्रांसप्लांट करना होता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।